नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा मेमोरियल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या रहता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या टाइम होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इन सारी बातों पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन आगे चलने से पहले अपन कुछ कुछ मुद्दे, जो मेन मुद्दे हैं, उनको ऊपर अपन लिख लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे मैं बात करूंगा। इसमें पहला मुद्दा आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो दूसरा मेन मुद्दा आता है, इनके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समरी ले लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आपके जितना भी क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप स्किप करके देख सको वीडियो को, है ना। आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो और आपको सही चीज और सही तरीके से पता चल जाए। फर्स्ट हो गया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड चीज है कॉस्ट क्या होती है ट्रीटमेंट की, कॉस्ट क्या आएगी। थर्ड पॉइंट जो होगा, कितना टाइम लगेगा आपका पेशेंट को ठीक होने में और पूरे ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाएगा। नंबर फोर्थ है टाटा में ही आप इसका ट्रीटमेंट क्यों कराएं, कैंसर का ट्रीटमेंट टाटा में क्यों कराएं, क्या है बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है इंडिया का या वर्ल्ड का, क्या टाटा के अलावा इंडिया में और कहीं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये सारे बात इस पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। नंबर फिफ्थ है मेंटेलिटी, इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब कैंसर पेशेंट को अगर पता चलता है कि मुझे कैंसर डिस्कवर हुआ है, तो उसके परिवार वाले और कैंसर पेशेंट खुद बहुत परेशान होने लगते हैं। तो इस पॉइंट पे भी अपन बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। और नंबर सिक्स पॉइंट जो आता है फंड, ट्रस्ट का फंड, जो ट्रस्ट जो टाटा मेमोरियल में हेल्प करता है, ट्रस्ट जो टाटा मेमोरियल में हेल्प करता है उसका फंड कितना परसेंट कैसे होता है, ये सब इन सब के बारे में आएंगे। और एक सेवन पॉइंट अगर मैं बना लूं तो ये हो जाएगा इसमें अन्य मुद्दे। अन्य मुद्दे जो भी इनमें रह गए हैं या फिर अदर्स लिख लो। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाटा मेमोरियल के ट्रीटमेंट के ऊपर, उसमें बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अन्य मुद्दे में आपको लगातार पूरा मैंने एक फाइल बना रखा है, वो पीडीएफ फाइल लैपटॉप पे भी क्रिएट करके रखा है, तो उनके सारे आंसर मैं आपको लगातार दे दूंगा, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, है ना। अब इन सबको मिटा देते हैं अपन, इन सब पे अपन एक एक करके पॉइंट पे बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एक नंबर में व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे भी आप अपना पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसकी फीस जो है, अगर आप प्राइवेट में ले करते हैं, प्राइवेट में करते हैं या फिर जनरल में करते हैं, प्राइवेट में रहेगी आपकी 12 की मतलब 12,000 रुपये, 12,000 रुपये प्राइवेट में रहेगी। और जनरल में अगर आप जा रहे हैं, जनरल में रहेगी 6,000 रुपये, है ना। प्राइवेट में 12,000 रुपये, जनरल में 6,000 रुपये। अब ये प्राइवेट और जनरल का क्या सिस्टम है, ये मैंने पहली वाली वीडियो में बता के रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें टाइम दूंगा तो बहुत सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो पहली वीडियो देख लीजिए कि प्राइवेट और जनरल का क्या मुद्दा है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं और वो मैं व्हाट्सएप नंबर से भी कर सकते हैं। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आपको टोकन नंबर, एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ये भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप वहां जाके ले सकते हैं। और फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जैसे मिल जाएगा, फिर आपको टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर, और इसी टोकन नंबर से आपको वहां डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की। और रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट, सबसे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो सबसे आप ध्यान रखिए कि जो पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट का आधार कार्ड कार्ड पेशेंट का आधार कार्ड, इसके साथ साथ पेशेंट का आधार कार्ड प्लस जो भी व्यक्ति उनके साथ जा रहा है, जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स में पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, उनका भी आधार कार्ड आपकी फोटो कॉपी आपको लेके जाना है आपके साथ। ये तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके ही जाना है, पेशेंट का आधार कार्ड और उसके पेरेंट्स के, पेरेंट्स में जो साथ में जा रहा है रिश्तेदार, उसके भी आधार कार्ड की फोटो कॉपी ये आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी ले जाना है, जैसे कि आपका आयुष्मान कार्ड है या फिर आपका कोई अन्य योजना का कोई कार्ड है, तो जो
वहां पे हो सकता है यूज हो जाए, तो वो जितने भी कार्ड हैं आपकी योजनाओं के, आयुष्मान कार्ड का मैंने मेनली सुना सुन के रखा है, पढ़ के रखा, और उसमें मैंने वीडियोस में देखा था कि आयुष्मान कार्ड काम करता है ना। तो आयुष्मान कार्ड आप ले जाना, क्योंकि इससे आपको जो कॉस्ट होगी वो ऑलमोस्ट कहाँ पे जनरल में, जनरल वार्ड में जीरो हो जाती है, और ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि 5 5 लाख के करीब शायद वहां से मिल जाता है, और कुछ कुछ ऐसा मिल जाता है, तो जनरल में उसकी कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है। तो आयुष्मान कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, तो ये डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। तो फर्स्ट अपना पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन, सेकंड पॉइंट था कि कॉस्ट। इस ट्रीटमेंट की जो आप कराने वाले हैं, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? तो मैं आपको बता दूं, ये कॉस्ट जो है उसका कीमत की 5 लाख रुपए रहेगी, 10 लाख रुपए रहेगी, 12 लाख रुपए रहेगी, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको किस टाइप का कैंसर है, टाइप ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, किसी को लंग कैंसर होता है, किसी को किडनी होता है, किसी को लिवर होता है, किसी को ब्लड होता है, किसी को स्किन होता है, किसी को आहार नली में होता है, किसी को कॉलन में होता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत कॉमन है फीमेल्स में। तो ये टाइप ऑफ कैंसर, किस टाइप का कैंसर है, तो जब टाइप ऑफ कैंसर आपको ये कौन बताएगा, डॉक्टर बताएगा कि किस टाइप का कैंसर है आपको। उस टाइप ऑफ कैंसर के बाद की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने महीने तक इलाज चलेगा आपका। मान के चलो अगर 4 महीने तक इलाज चलता है, तो उसमें आपको उस डॉक्टर बोलते हैं कि 4 से 5 कीमो लगेंगे, तो आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफी हो जाएगा। किसी किसी को 2 कीमो में ही लगते हैं, किसी किसी को 1 कीमो ही लगता है। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिसीज कैसी है, और जब चूंकि अगर 4 महीने तक चलेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैक्स देखो, ऑन एवरेज जो है 10 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूँ ऑन एवरेज, लेकिन फिर भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। कैंसर का किस टाइप का कैंसर है आपको, तो ये कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। अगर 4 से 5 महीने तक आपका इलाज चल रहा है तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो भी सी बात है, क्योंकि कीमोथेरेपी देखो मेनली पैसे ऐसा ही लगता कि डॉक्टर की जेब में जा रहा हो पैसा, डॉक्टर के जेब में नहीं जाता। उसकी दवाइयां जो आती हैं, दवाइयां जो आती हैं वो बहुत महंगी आती हैं, तो इसकी कॉस्ट रहती है मेनली वो। और जैसे ही आपने 1 कीमो लगाया, तो 1 कीमो किसी की 20 हजार रुपए की, 30 हजार रुपए की, ऐसी 1 कीमो पड़ती है। 1 कीमो के लगने के बाद उसकी, जैसे आपकी बॉडी में वो कीमो जाएगा, जो पेशेंट की बॉडी में कीमो जाएगा, फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होंगे, उस साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाएं लगेंगी, आपकी बॉडी फंक्शन अच्छे तरीके, आपको फीवर आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उस व्यक्ति के लिए। तो उसको ठीक करने के लिए फिर से उसको कई तरह का ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, इंजेक्शन दिए जाएंगे, हाई पावर डोज के दिए जाते हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों को मिला के आपके पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्ट तय होती है कि कितना वो कॉस्ट होगा, है ना। तो ये कहना आसान नहीं होता है कि आपको कि मैं बोल दूं कि 10 से 12 लाख रुपए होता है कॉस्ट, लेकिन आपको पता है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को कॉलन कैंसर है, किसी को रेक्टम का कैंसर है, अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं। इसी को जैसे कि सबसे कॉमन जो होता है उसमें ब्रेस्ट कैंसर, जैसे स्तन का कैंसर भी कहते हैं, लेडीज में ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो टाइप ऑफ किस टाइप का कैंसर है, और ड्यूरेशन मतलब उसके समय की अवधि कितने, उसको इलाज का ट्रीटमेंट जो कितने महीने तक चलेगा, जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो उसकी कॉस्ट को डिफाइन करती हैं। तो मैं बता रहा था कि कैंसर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर के पास पैसा नहीं जाता, मैक्सिमम आपके दवाओं पर खर्च हो जाता है पैसा। और अगर किसी को ब्लड लग रहा है, अगर मान के चलो किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, ब्लड लग रहा है, तो ब्लड का कॉस्ट, अब ब्लड में भी बहुत सारे प्रकार के ब्लड होते हैं, SDP वो होता है, FFP होता है, PRP होता है, ब्लड के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वैसे SDP जो सबसे महंगा आता है, 10 से 12 12 से 15 हजार रुपए का एक SDP आता है, एक यूनिट ब्लड, तो अगर वो लग रहा है तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है ना। तो ये सब चीजें हैं जैसे डिपेंड करेंगी, लेकिन हर हर पेशेंट के लिए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ब्लड कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको ऑपरेशन करके पहले ब्रेस्ट कैंसर को निकाल दिया जाता है, और उसके बाद एक या दो दो तीन कीमो होती है, उसको होके आसानी से उसको ठीक हो जाता है वो, ये बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
डॉक्टर का इसमें बहुत मतलब बहुत बहुत कम वो रहता है, मैक्सिमम ट्रीटमेंट उसके दवाओं पर खर्च हो जाता है बहुत सारा पैसा, तो इसलिए ये कॉस्ट बताना बहुत आसान नहीं होता है। तो इसके सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने लोकल के डॉक्टर से मिलिए, जहाँ जिस सिटी में आप रह रहे हैं या फिर जिस गांव में रह रहे हैं उसके पास में कोई बड़ी सिटी है, तो वहाँ के कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए, उनसे पूछिए, और लगभग लगभग ये सारा खर्चा सब जगह एक ही आता है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि इतना खर्चा आएगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, तो वो सारी चीज़ बता देंगे आपको, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि किस टाइप का कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट कितनी कीमो लगेंगी और किस टाइप का चलेगा, कितने देर तक चलेगा, तो उसके हिसाब से कॉस्ट बताते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है। अब कॉस्ट का सिस्टम आपका मतलब कॉस्ट की प्रॉब्लम भी आपकी मुझे लग रहा है कि सॉल्व हो गई होगी। नंबर 3, टाइम। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे कि जैसे ही आप टाटा मेमोरियल पहुंचते हैं तो क्या तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं? तो नहीं, आपको पूरा चेकअप होगा, फिर से जांचें होंगी, बहुत सारी आपकी जो जांच होंगी वो सारी होंगी, उसके बाद कहीं जाके लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाता है, 20 से 25 दिन बाद। तो जब भी आप जाएं तो ये पूरी व्यवस्था करके जाएं कि आपको वहाँ पर रुकना है, और 1 महीने तक तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आएंगी, आपको एडमिट होना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ होंगी। टाइम जो है आपको याद रखना है कि आपको 1 महीने का मान के चलना है कि वहाँ पर जा रहे हैं तो 1 महीने के लिए ही जा रहे हैं, और फिर ये 1 महीने स्टार्टिंग का हो गया, और अब ट्रीटमेंट चलेगा वो 3 से 4 महीने, अगर मान के चलो 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 3 से 4 महीने आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि 3 से 4 महीने हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना है, नहीं, आपको बीच बीच में जैसे हफ्ते 15 दिन में वहाँ पे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ से किसी को 15 दिन का साइकिल होता है, किसी को 20 दिन का, किसी को 25, किसी को 30 दिन के साइकिल से कीमो लगते हैं, तो जिस दिन कीमो लगेगा उस दिन बस एडमिट करना पड़ता है उनको, हो सकता है किसी को दिक्कत नहीं रहती है तो 1-2 दिन एडमिट करते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं, फिर 20 दिन बाद बुलाएंगे, फिर तुम्हें एडमिट कीमो लगाएंगे, एडमिट करेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे, तो इस तरीके से लगभग 4 से 5 महीने हो जाते हैं, तो अपन बोल बोल देते हैं कि यार वहीं रुक लो, और बार बार आना जाना करने से दिक्कत होती है पेशेंट को, है ना। बाकी आप बहुत सारे लोग अप डाउन भी करते हैं, तो इतनी परेशान होने की दिक्कत नहीं कि 3 से 4 महीने वहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल जाके एडमिट नहीं रहना 3 से 4 महीने कि अरे यार अब तो कैंसर हो गया तो मतलब हॉस्पिटल में 3 से 4 महीने हमारे कटेंगे, नहीं बाबा, आप दो आपकी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं रहना पड़ता हॉस्पिटल में, वो आपको अपॉइंटमेंट देते रहते हैं और उस डेट पर बुलाते रहते हैं, फिर अपॉइंटमेंट देंगे फिर बुलाएंगे, तो आप आसानी से सब कुछ मेंटेन हो जाता है, ऐसा तो घबराने वाली बात नहीं रहती है। तो टाइम मैंने बता दिया कि 3 से 4 महीने आपको ऑन एवरेज लग जाएंगे पूरा पूरा ट्रीटमेंट होने में, और किसी किसी को अगर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले ऑपरेशन होगा उनका, उसके बाद कीमो दी जाएंगी, है ना, तो ऑपरेशन जितनी जल्दी हो जाए तो उतने जल्दी आपका कीमो मिल जाएगा, तो आप बहुत थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर एक नॉर्मल डिसीज हो गई आजकल, तो स्तन कैंसर जो महिला में होता है तो वो जल्दी क्योरेबल है ना। फिर अपन आगे चलते हैं नंबर 4 पॉइंट के ऊपर। नंबर 4 पॉइंट अपना था टाटा में ही इलाज क्यों कराएं, अदर हॉस्पिटल में क्यों क्यों नहीं, टाटा में क्यों कराएं। देखो टाटा में क्यों कराएं और अदर में क्यों नहीं, तो एक एक रीज़न मैं बताता हूं, क्योंकि मैं मेरे भाई भी वहां पे एडमिट थे, हमने उस चीज़ को फील किया है कि टाटा मेमोरियल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे ऑन एवरेज सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं एक ही कैंपस के अंदर। अगर आप कहीं बाहर किसी दूसरे हॉस्पिटल में अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको मान के चलिए ये हॉस्पिटल है उसमें 25-30 प्रकार की जांच होती है, कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है, कभी आपको ब्लड ब्लड कल्चर की रिपोर्ट होती है, कभी यूरिन का टेस्ट होता है, कभी ये टेस्ट होता है, कभी वो होता है, कभी किडनी लीवर और कभी कभी एक्सरे सीटी स्कैन, इतने सारे टेस्ट होते हैं। तो अगर एक कोई छोटा थोड़ा छोटा हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल से करवाते हैं, तो आपको पेशेंट को बार बार लेके दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी दूसरे वहां पे जाना पड़ता है, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, और क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है तो ये एक बार नहीं होता कि एक बार जाना पड़ेगा, नहीं, आपको 10-10 15-15 20-20 बार जाना पड़ेगा, अब इतने सारे टाइम जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, जबकि टाटा मेमोरियल में क्या है कि सारी चीजें एक ही छत के नीचे आसानी से प्रोवाइड है, एक एक बिल्डिंग है पूरी, ये हॉमी बिल्डिंग है और एक सिल्वर जुबली बिल्डिंग है, सारे मैक्सिमम चीज़ें वहीं आपको मिल जाएंगी, तो ये आपका घूमना फिरना आसान कर देता है,
अब जैसे कि मान के चलो एक पेशेंट है, उसके माँ पापा में से कोई एक उसके साथ है, तो अगर माँ है मान के चलो, तो माँ अकेले भी मैनेज कर लेगी पूरा, पापा है पापा भी अकेले मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराने जाओगे, छोटे मोटे हॉस्पिटल में, तो वहां पे 4-5 लोग लगेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी ब्लड चाहिए, कभी दवाइयाँ चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इस कारण से आपको टाटा में कराना ज़्यादा बेटर है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि टाटा में ये है कि वहाँ पर रिसर्च होती रहती है, लगातार रिसर्च होती रहती है, जिस कारण से जो नई नई टेक्निक्स हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर्स को पता होती हैं। लेकिन ये भी है कि कैंसर का जो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट है वो सब जगह एक ही होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी देने का तरीका एक ही है, बस ये हो जाता है कि वो उनकी एक्सपर्टीज होती है उसमें, कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो उनको जल्दी पकड़ लेंगे और जल्दी ट्रीट करने की कोशिश करने लगते हैं वो लोग, तो वो एक्सपर्टीज है उनके पास। अदरवाइज तो कीमोथेरेपी ऑलमोस्ट सेम ही चलती है सब जगह, इसलिए आप टाटा में करा सकते हैं। और लेकिन एक रीजन में एक चीज बताऊं कि टाटा में रियल में रश बहुत होती है, भीड़ भाड़ बहुत होती है, भीड़ भाड़ बहुत होती है वहां पे, मतलब डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारा काम, वर्कलोड, डॉक्टर्स की संख्या कम है और उनके पास वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से कभी कभी मिसमैनेज आपको लगेगा, जब आप वहां पे जाओगे तो आपको लगेगा कि कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है ना, आपको एक ऐसा थोड़ा सा फील हो जाएगा वहां जाते ही कि यार कितनी भीड़ है यार यहाँ पे टाटा में, मतलब डॉक्टर के हर चीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है, हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा टाटा में, अगर आपको इलाज करना है तो ये सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप टाटा में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पे इतने सारे पेशेंट आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं, नेपाल पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो भरे पड़े होते हैं, मतलब ये बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है कि वो आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, बता रहा हूँ कि अपने पड़ोसी देश से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है, तो अब भीड़ को मैनेज करना उन डॉक्टर्स को अकेले बहुत मुश्किल होता होगा, ये हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉपरेट करेंगे तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और लोग बहुत अच्छे हो कि वहाँ पे, जैसे मैं गया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे थे, एक तो मेरी एज की एक लड़की थी जिससे मैंने बात किया, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे भी उससे कि यार जब मैं ये छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं मतलब तो क्या थोड़ा दर्द हो जाता तो अपन कहने लगते यार क्या क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जब वो मेरी एज की थी और मैंने उससे बात किया कि यार उसको वो कैसे फेस कर रही थी, उससे कैसे उस इतने कठिन टाइम को फील किया, तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। खैर वो भी अब ठीक हो गई है, मैंने उससे बात किया था, तो ये भीड़ भाड़ होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगा, जैसे कमेंट सेक्शन में मुझे इसके पहले वाली वीडियो में लोग कह रहे थे यार वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, ऐसा ऐसा तो होता है, ये चीज़ आपको फील हो जाएगी, मुझे भी फील हुई थी, आपको भी हो जाएगी, तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, टाटा हॉस्पिटल में ही क्यों कराना है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टाटा जो फर्स्ट कीमो होता है किसी भी कैंसर का, फर्स्ट कीमो वो टाटा मेमोरियल में ले लेते हैं, उसके बाद के जो कीमो है अपने लोकल के हॉस्पिटल में ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इंदौर से हूँ और एमपी से हूँ, तो एमपी में एक जवाहरलाल नेहरू कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल भोपाल में, जवाहरलाल नेहरू कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल भोपाल में है, तो वहां पे भी स्पेसिफिक कैंसर का ट्रीटमेंट ही चलता है, तो आपके जो स्टेट है उसकी कैपिटल में बहुत सारे एम्स हैं, जैसे एम्स में भी आप वहाँ पर कीमो ले सकते हैं, और कुछ कैंसर स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं आपके कैपिटल में, स्टेट कैपिटल में, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा ट्रीटमेंट भी वहाँ से ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एवरेज सब सेम ही होता है, आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा टाटा में इतना भी स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि बस टाटा टाटा मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा, तो आजकल ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल में एक हर स्टेट के एक कैपिटल में जो एक बड़ा हॉस्पिटल होता है कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाती हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आयुष्मान कार्ड है आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से फ्री में मिल जाती हैं। तो एक मैं भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो आपके स्टेट में उसकी कैपिटल में कोई बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि यार आप टाटा में जब जाते हैं ना तो मुंबई में रहना बहुत महंगा है,
मुंबई की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर रहना और सस्टेन करना बहुत महंगा है। और वहां पर एक महीने का बीके, उसको शायद बीके बोलते, बाथरूम किचन ऐसा कुछ, बाथरूम किचन नहीं, आर के रूम किचन, रूम और किचन अटैच, अच्छा एक रूम रहेगा अटैच रहेगा, उसके मंथली 35 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं उसके, मंथली 35 से 40 हज़ार रुपये। तो आपको इतना सारा पैसा तो रहने ही में खर्च हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट कहाँ से कराओगे? तो अगर ये पैसा बच जाएगा तो आप अच्छा सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो अपने जो कैपिटल है वहाँ पे भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मुंबई में वास्तव में रहना बहुत दिक्कत है। और एक मैंने व्लॉग बनाया है मुंबई की लाइफ के ऊपर कि मुंबई में लोग कैसे रहते हैं, और एक बीच पे भी गया था मैं, जब जब भी ट्रीटमेंट से थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो थोड़ा मैं घूम लेता था इधर कि कैसा है। तो मैंने मुंबई से कुछ ब्लॉग्स बनाए हैं, आप फोटोग्राफ्स में देख रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि मुंबई के लोगों की लाइफ कैसे होती है, एक्चुअली बहुत बिजी लाइफ होती है उनकी, तो आप वो भी देख सकते हैं आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रख दे दिया सारे। फिफ्थ पॉइंट में है ट्रस्ट हेल्प। अपन ने बात किया था कि ट्रस्ट किस तरह से हेल्प करता है, तो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बता के रखा था कि ट्रस्ट में जब आप जनरल वार्ड में जाते हैं तभी आपको हेल्प करता है, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। सारा खर्चा, जैसे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं खर्च, वैसे ही सारा खर्चा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली टाटा कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, टाटा का एक पार्ट है प्राइवेट और दूसरा है ट्रस्ट का, जनरल वार्ड कहते हैं इसको। ट्रस्ट में जो होता है वहाँ पे आपका अगर जो खर्चा होता है उसकी कॉस्ट 60 से 70% कम हो जाती है, मतलब वहाँ ट्रस्ट आपको हेल्प कर देता है। मतलब अगर 12 लाख रुपए लग रहे हैं तो 7 से 8 लाख रुपए वो दे देते हैं ट्रस्ट वाले आपको, तो आपको उसमें से कट जाता है पैसा ट्रस्ट का ही। तो अगर आपके पास कोई गरीबी रेखा का आधार कार्ड है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, और क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जनरल वार्ड में आपको ऑलमोस्ट जीरो खर्चा हो जाएगा। आजकल होने लगा है ऐसे, हम लोगों ने तो प्राइवेट में कराया था, अदरवाइज जनरल में ये खर्चा बहुत कम हो गया है, आयुष्मान कार्ड लग जाता है, बहुत सारी फैसिलिटी हैं। तो ट्रस्ट का पैसा आपको मिल जाएगा। और एक थॉट आया था मुझे, मैं आप बताना उस अगर आपको अच्छा लगे, कि यदि आप फेसबुक, मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक है, इंस्टा लिंक है, और व्हाट्सएप नंबर भी अगर मैं दे दूंगा इसमें, तो आप चाहें तो वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ग्रुप बना के अपन एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, क्योंकि मैं पर्सनली अकेले सबकी हेल्प नहीं कर सकता, तो अपन एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ग्रुप बना देंगे, तो ताकि टाटा मेमोरियल की जितने भी क्वेरीज हैं सब लोग उसमें ग्रुप में अटैच रहेंगे और सब लोग उसका आंसर दे पाएंगे, है ना? तो एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, कुछ मैं नहीं आंसर दे पाया तो कोई दूसरा गया था वहां पे तो उसने आंसर दे दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये इस तरीका है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी, आप वो वहां पर भी चेकआउट करते रहें और उसको भी ज्वाइन कर लें, है ना? और अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जो है मेंटेलिटी। मेरे लिए ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, लेकिन इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जिस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उस व्यक्ति के ऊपर मेंटली क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन मेंटेलिटी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो उसके पेशेंट के ऊपर क्या मेंटली इफेक्ट पड़ता है, दूसरा उसकी फैमिली के ऊपर। क्योंकि आखिर ये दोनों लोग, जैसे ही किसी को अगर उनकी फैमिली में आपको या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो एक जो व्यक्ति जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो लोग जो उससे कनेक्टेड है, मतलब उसके फैमिली के लोग, दोनों को ही बुरी तरह से इफेक्ट पड़ता है। अब कैंसर पेशेंट क्या करने लगता है, कैंसर पेशेंट सोचने लगता है कि यार अब तो मतलब कैंसर हो गया, मतलब अब मेरी डेथ निश्चित है। कैंसर को जो है, कैंसर को लोग इक्वल टू डेथ मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कैंसर हो गया तो एकदम से डरिए मत आप कि नहीं आपकी मौत ही हो जाएगी, आप तो कुछ नहीं। तो वो कैंसर पेशेंट कई बार मैंने देखा है कि ऐसे रिएक्ट भी करने लगते हैं कि यार घर वालों से बात करने लगते हैं, अब तो हम कुछ दिन के मेहमान ही बचे हैं, मतलब इस टाइप की बातें करने लगते हैं। तो इस टाइप की बातों से करने से कैंसर पेशेंट को बचना चाहिए, है
है ना, क्योंकि कैंसर पेशेंट मतलब कैंसर होना बड़ा डेथ नहीं है। आजकल इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है, इतने एडवांस जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि आप आसानी से बहुत सारे कैंसर तो आसानी से इजीली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया और बहुत सारे कैंसर है जो आसानी से क्योरेबल है। तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहिए, अपने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए। और अब जैसे ही आपको पता चले कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो आपका फोकस अब कैंसर पे नहीं होना चाहिए, अब आपका फोकस होना चाहिए कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी, कितने जल्दी से जल्दी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूं, आपका पूरा फोकस उस चीज पे होना चाहिए। कैंसर पेशेंट हर बार यही सोचने, अरे मुझे कैंसर हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो ऐसा, अब तो ऐसा, उसके माइंड में जो ये साइकिल बनता है, और ये साइकिल ऑफ जो थॉट्स है ना, उसको मतलब जितना कैंसर उसको खत्म नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा उसको ये थॉट खत्म कर रहा है कि मुझे कैंसर हो गया है। तो कैंसर का डर ज्यादा इंसान को मारता है, ना कि कैंसर। तो जब भी आपको डिटेक्ट हो कि आपको कैंसर हुआ है, तो ठीक है, अब डिटेक्ट हो गया, तो हमारा पूरा फोकस ट्रीटमेंट पे होना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं अपने घर से दूर रह रहा था, दूर रह के पढ़ता हूँ, तो जब मैं उस समय गार्डन में था, एक दोस्तों के साथ बैठ के गपशप चल रही थी, मेरी सिस्टर का कॉल आता है मुझे कि भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो मैंने तत्काल वहां से उठा, मैं रोया धोया नहीं, कुछ ऐसा वैसा कुछ कुछ हरकतें नहीं की, वहां से उठा, रूम पे आया, अपने रूम पे इंटरनेट पे लैपटॉप पे सर्च किया कि बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इन इंडिया। मैंने बहुत सारी लास्ट वो आई साइट्स आई, उस समय मुझे टाटा मेमोरियल के बारे में भी कुछ नहीं पता था, तो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब फेसबुक कुछ फेसबुक अकाउंट्स तो कुछ वेबसाइट से जानकारी ली, और मैंने उस सर्च किया कि भाई कहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते। तो मेरा पूरा फोकस ट्रीटमेंट पे चला गया, रोना धोना नहीं कि अब हो गया, तो अब हो गया भाई, डिटेक्ट हो गया, थोड़ा दुख होता है, सबको होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पूरा टाइम हम उसी पे दे, ट्रीटमेंट पे ध्यान करो। मैंने पूरा ध्यान ट्रीटमेंट पे लगाया कि चलो ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल मुझे उनको ट्रीटमेंट देना है, करवाना है उनसे, ट्रीटमेंट करवाना है। तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके 2-3 दिन के अंदर, डॉक्टर के पास लेकर 2-3 दिन में एडमिट कर दिया, तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई और आज चंगे हैं, एकदम से मस्त हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे, पेशेंट को मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और साथ में उनके फैमिली वालों को भी मेंटली सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो यार, जिसको कैंसर डिटेक्ट होता है, मैं मानता हूँ उसके लिए ये आसान काम नहीं है, मेंटली इतना स्ट्रांग होना और इतना पीसफुल होना बहुत मुश्किल काम है भाई, जान जान की बात आ रही है ना सीधी सीधी। लेकिन फिर भी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं फैमिली से फैमिली का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा उसको कुछ, तो यहाँ फैमिली का रोल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इंडियन फैमिली इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक कॉपरेशन होता है, एक दूसरे के साथ सहयोग होता है, वो अच्छा होता है, हमारी फैमिली में वैसे ही है। तो पूरी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन फैमिली वालों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस कैंसर ट्रीटमेंट पे हो, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराने पर हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज थी जो मेंटली आपको स्ट्रांग रखनी चाहिए। और कुछ चीजें मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे कि जब कैंसर ट्रीटमेंट चलता है, कीमोथेरेपी चलती है, तो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में। तो कभी कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जब आपको लगने लगा कि पेशेंट अब बचने वाला नहीं है, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। तो उस समय आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए और एकदम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर कीमो के बाद साइड इफेक्ट होते हैं और उसके बहुत सारे बॉडी में दिक्कतें होती हैं। कभी 103 फीवर, 104 फीवर, मेरे भाई को तो 103 फीवर आता, तो पूरा बेड कांप जाता था, बॉडी पूरे कांपने लगती थी, इतना खराब फीवर आता था उनको। तो उस समय भी अपने अंदर पेशेंस रखना है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, एकदम डरना नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन लेना है, पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी गलती ना हो जाए, लेकिन डरना नहीं है, है ना। डर जाओगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो बहुत पेशेंट की हालत बीच में खराब होती है, जैसे कीमो लगेगा उसका साइड इफेक्ट होगा, फिर दूसरी कीमो लगेगी, फिर उसका साइड इफेक्ट होगा, तो ये बॉडी को भी हार्म करता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो उस समय अपने आपको एक स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको अपना मेंटेलिटी वाला पोर्शन हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको ध्यान स्पेसिफिकली देना चाहिए। देखो, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है, तो जब भी आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि वो पेशेंट किस स्टेज में है, उसकी स्टेज क्या है। अगर वो थर्ड स्टेज में है या फिर उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और बचने के चांसेस बहुत कम है। तो फिर मैं वहां पे आपको दो डिसीजन लेना है, आपको उसको बहुत प्रैक्टिकल होके लेना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके।
देखो ये लोग कह सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जब उसके पेशेंट की बचने की कंडीशन बहुत कम थी, तब उन लोगों ने, उनके फैमिली वालों ने बहुत पैसा खर्च किया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, हर कुछ कर दिया। तो उसके कारण, एक व्यक्ति के कारण अन्य लोग, एक दो तीन लोग आज सड़क पे आ गए, उनके घर पे खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट मत कराना कि आप एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में, जिसकी संभावना कम है और डॉक्टर बताए तब, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं, डॉक्टर कह रहे हैं 80% चांसेस से बच जाएगा और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं पैसे बचा लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं कराते, नहीं बाबा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बहुत केयरफुली सुनना। लेकिन जब प्रैक्टिकल डिसीजन कब लेना है आपको, कि जब पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और उसको नहीं बचाया जा सकता, डॉक्टर ने बोल दिया है, तब उस समय में अगर आपके घर की हालत इतनी नहीं है कि आप इतना ज्यादा अफोर्ड कर सके, तब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्विट कर देना है वहां पे उस ट्रीटमेंट से बचना है जो जो पेशेंट को बचा नहीं सकता है। ये बहुत पेनफुल डिसीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, इसको लेते समय हाथ पैर मतलब बहुत हालत खराब हो जाएगी आपकी। हम लोग गुजरे हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि एक की लाइफ के कारण आप तीन की लाइफ खराब नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि उसकी लाइफ के कारण किसी अन्य की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि इसको, और यदि आपके पास पैसे हैं और क्रिटिकल कंडीशन बहुत खराब है और थर्ड स्टेज में, तब भी आपको पैसे लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे आता है जाता है, लेकिन लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके पास पैसा है तो आप किसी भी कंडीशन में, चाहे उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो चाहे कैसे भी कंडीशन हो, आपको पैसे लगाने चाहिए अगर आपके पास बहुत पैसा है। तो अगर नहीं है तो प्लीज बचो इस चीज से यार, क्योंकि यार ये बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा और आपके लिए बाद में बहुत, आप बाद में खुद पछताओ उस चीज को, है ना। आपके पास पैसा है तो खूब लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखो हालांकि मुझे, मैं मानता हूँ कि जब तक इंसान को बचाने का 1% भी है, तब तक उसे बचाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जब मैं इस तरफ देखता हूँ कि एक के कारण तीन की लाइफ खराब होती है, तो मैं वहां पे अपने कदम पीछे लेना ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है कि ऐसे डिसीजन को, क्योंकि मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी हो जाएगी आपको मेंटली फिजिकली मतलब बहुत खराब कंडीशन हो जाती है उस टाइम, आपको डिसीजन लेने के मूड में नहीं होते, तब प्लीज आप, ये वीडियो ना आपको बहुत हेल्प कर देगी। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था, और आपको ये सारी चीजें पसंद अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो प्लीज इसको अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। देखो मैंने अपना एक, मैं ड्यूटी समझता था कि मैंने जो इस दौर से गुजर चुका हूँ, जो मैंने चीज फेस की, वो आपको प्रॉब्लम्स ना हो, किसी अन्य को प्रॉब्लम्स ना हो। तो प्लीज ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि देखो यार ये चीजें मतलब मुझे उस समय लगा था, अगर कोई मुझे पहले बता देता तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाता, तो इस कारण से मैंने इसको बनाया। तो मैं सब सबके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैंने इसको वीडियो को बना दिया, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको हर सभी लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको थोड़ा सा मनोबल मिल जाता है यार, कि हाँ नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो एक लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, व्हेन देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, जब भी लाइफ रहती है आशा बनी रहती है, इसलिए उस आशा को मत तोड़िए। आप कैंसर को हराएंगे और डेफिनेटली हराएंगे। ओके, थैंक यू।